हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगला वीडियो मैं फार्मिंग के ऊपर बनाऊंगा, वैसे ही सोचकर पूरा प्लान बनाकर हम जा रहे हैं। एक फार्म आपको दिखाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा फार्म है, उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। तो ये बहुत सही था। तो इसके बाद हम आ चुके, सब लोग इकट्ठा हो चुके। इसके बाद जो होस्ट फार्मर है यहाँ के, वो हम सबको अंदर लेके जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अंदर जाने के बाद। तो आज हम आए यहाँ के, एक बहुत बड़ा फार्म है, मतलब डेनमार्क के फार्मर्स एसोसिएशन के द्वारा एक साल में सिर्फ 3 ही फार्म सिलेक्ट होते हैं, उसमें से जिसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है उस वही सिर्फ फार्म सिलेक्ट होते हैं। और उसमें से एक एक ए फार्म है। और आप एक पूरे एरिया में देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल अभी 500 काउज है। और ये जो काउज है एक साथ मिल्किंग के लिए जाते हैं। फार्म सिलेक्ट करने का यही रीज़न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउज है, मतलब इस फार्म में टोटल 1000 काउज की मिल्किंग एक ही साथ होती है। और ये जो मिल्किंग है सिर्फ 4.5 से 5 घंटों में ये जो मिल्किंग है पूरी की पूरी हो जाती है। ये जो ग्रुप है इसमें 500 काउज है, और जो दूसरा एक ग्रुप है उसमें 250 ऐसे करके टोटल 1000 काउज है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत क्लीन फार्म है ये, और इनका मिल्किंग का जो सिस्टम है वो दूसरी जगह पे है। यहाँ से पूरी की पूरी आप देख सकते हैं, यहाँ का यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से सबकी सब गाय यहाँ से निकल के इस साइड से बाहर जाके वो सीधे का सीधा मिल्किंग पार्लर में जाती है। और यहाँ पे उनका पानी का सिस्टम है, ये देखिए बहुत क्लीन होता है। यहाँ पे रोबोट है पूरे का पूरा नीचे का सब कुछ क्लीन करने के लिए। यहाँ पे भी और एक है, ऐसे 3-4 बनाए हैं इनके लिए। यहाँ पे कैल्शियम रखा है, कैल्शियम तो सबको पता है बोन्स के लिए अच्छा है। इसमें 500 काउज है, और यहाँ पे दो ग्रुप और है, और यहाँ पे 250 करके। इनका फैंस का सिस्टम देखिए, डेनमार्क में वैसे भी ठंड बहुत होती है, फिर भी इन्होंने लगाया है क्योंकि काउज का जितना टेम्परेचर कम होता है उनका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है। फैन देखिए, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रूमिंग ब्रश है वहाँ पे जो भी गाय उसके नज़दीक आ जाते हैं वो फटक से चालू हो जाता है। और ये जो है वो गाय का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। और एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो देख रहे हैं इस गाय के गले में ये जो बेल्ट है इसको एक टैग है, और ये टैग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब एक गाय मिल्क पार्लर में जाती है तो वहाँ पे उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलता है, मतलब वो गाय को वैक्सीनेशन कौन सा चाहिए, कौन सी मेडिसिन चाहिए, मतलब उसको प्रेग्नेंट होने के बाद वो कितने दिन हो चुके हैं, कितने बच्चे, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसके उसमें मिलता है। और गाय का मिल्क के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस टैग में होती है, तो ये टैग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंसान कितना चिल्लाते हैं यार, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अरे तो चुपचाप खाना। हाँ वही काम रह गया है अब। तो सबसे लास्ट में हम आ चुके हैं 1 घंटा पैदल चलने के बाद मिल्किंग पार्लर में। ये जो है रोटरी मिल्किंग पार्लर है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। ये डेयरी मास्टर कंपनी का है, ये डेयरी मास्टर नाम की एक कंपनी है उसका ये मिल्किंग पार्लर है। यहाँ से गाय अंदर चली जाती है, और ऐसा पूरा सर्कल घूम के वापस आ जाती है यहाँ पे, और यहाँ से वो बाहर निकल जाती है, यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ पे घूम के फिर से वापस बाहर चली जाती है उसके उसके ग्रुप में। तो हम आ जाते हैं नीचे, नीचे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे 2 वर्कर्स एक साथ काम करते हैं, एक उसका टिट्स पे जो स्प्रे होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, और एक जो वर्कर है उसको सिर्फ वो जो स्प्रे किया है
वो सिर्फ टिश्यू पेपर से निकालना पड़ता है। और जो दूसरा वर्कर है यहाँ पे, उसके सारे कंट्रोलर हैं, वो बहुत सारे कंट्रोलर है यहाँ पे, बहुत बड़ा सिस्टम है ये। और दूसरा वर्कर है ये जो गाय अंदर हो अंदर, इसके अंदर एक छोटा सा डिब्बा है, उसमें फूड, नई गाय आती है तो नया फूड आ जाता है, उसमें फूड आ जाता है उसको खाने के लिए, वो गाय अंदर चली जाती है और वहाँ पे ही लॉक हो जाती है। लॉक होने के बाद वो जो वर्कर है और वो यहाँ से मशीन लगाता है, और उसके बाद ये 10 मिनट तक ऐसी गाय गोल घूमकर वापस चली जाती है। ये जो है इनका ऑफिस है, ऑफिस के अंदर पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट होता है, कितना दूध दिया कितना नहीं। अंदर देख सकते हैं यहाँ पे है ऑफिस, और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कितना मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, कौन सी गाय ने कितना दूध दिया है, मतलब किसको कुछ क्या प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग सब इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। और ये जो जगह है इनके वर्कर का चेंजिंग रूम है, यहाँ पे उनके जो कपड़े होते हैं, शूज़ वगैरह सबके, सब वर्कर्स के अलग अलग लॉकर होते हैं। यहाँ पे छोटा सा वॉश मशीन भी है उनके कपड़े वगैरह धोने के लिए, और यहाँ के उनके एप्रॉन वगैरह सब है। और इसके बाहर हम जाते हैं, इसके बाहर हमें यहाँ पे मिल्क टैंक, यहाँ पे 2 मिल्क टैंक है, और इसमें पूरा का पूरा दूध जाता है। एक ए है और एक ए वाला एक है। पूरे के पूरे फार्म का जो गोबर है ये मिडल में, इनका बहुत बड़ा बायोगैस है, इसमें जाता है, उससे कुछ फार्मर्स बेचते भी है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, नहीं तो गैस के लिए यूज़ करते हैं उसके। फ़िलहाल तो ये जो फार्मर है ये तो बेचते ही है। तो ये था हमारा एंड, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि चिकन फार्मिंग कैसी होती है, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग, और उसके नेक्स्ट में पिग फार्मिंग कैसी होती है, उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो आपने देखा पूरे के पूरे फार्म का वीडियो। तो आप अगर यहाँ पे जॉब्स करना चाहते हैं, मतलब एज ए इंटर्न नहीं तो एज ए वर्कर आप जॉब पाना चाहते हैं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एज ए वर्कर नहीं तो एज ए इंटर्न आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी हेल्प करती है, नहीं तो डेनमार्क के फार्मर्स एसोसिएशन को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, उनसे आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।